हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं कानपुर मेट्रो अपडेट का पार्ट 20 लेके। और गाइस, ये अपडेट होगा फेज़ टू मेट्रो का, जो कि अंडरग्राउंड है। और गाइस, जैसा आप लोगों ने वादा किया था, बैक टू बैक वीडियोस आएंगी, तो बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं। तो गाइस, लाइक कर दें और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस, इस वीडियो की शुरुआत होगी अपने मोती झील के मेट्रो स्टेशन से। ये देखिए, मोती झील पहुँच चुके हैं, और मोती झील से हम लोग जाएंगे बड़े चौराहे तक। सामने आप गाइस देख सकते हैं, अब मेट्रो स्टेशन मोतीझील दूर से ही स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है। सेकंड फ्लोर पे अभी काम चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर का कॉन्कोर बिल्कुल रेडी हो चुका है। काफ़ी तेज़ काम हो रहा है मोतीझील के मेट्रो स्टेशन पे। लेकिन मोतीझील का मेट्रो स्टेशन तो हम हर मतलब नॉर्मल पार्ट में कवर करते ही थे। इस पार्ट में गाइस हम लोग आपको आगे लेके जाएंगे, और आपको पालिका स्टेडियम, चुन्नीगंज, नवीन मार्केट या परेड जो आप समझ लें, वहाँ से आपको दिखाएंगे पूरा बड़ा चौराहे तक, और आपको पूरा अपडेट देंगे। पहले आप ये देख लीजिए मोतीझील का मेट्रो स्टेशन नीचे से। मोतीझील के मेट्रो स्टेशन का स्टेयरकेस काफ़ी अमेजिंग है, चलिए उसकी बात करते हैं आगे चल के। तो हाँ जी गाइस, आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है मोतीझील मेट्रो स्टेशन की स्टेयरकेस, ये आप देख सकते हैं। और गाइस, एक बार स्टेशन देखिए कितना आगे है, एंड स्टेयरकेस कहाँ बन रही है। तो गाइस, जब ये रेडी हो जाएगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अभी गाइस, जब आप बढ़ेंगे मोतीझील मेट्रो स्टेशन से आगे, तो आपको कई सारे पिलर्स रेडी मिलेंगे, एंड कईयों पर तो पियर कैप भी लॉन्च कर दिया गया है, आप जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये पिलर्स आपको आगे पालिका स्टेडियम से पहले जो चौराहा है वहाँ तक दिख जाएंगे, एंड उसके आगे भी पाइलिंग का काम चल रहा था, जैसे जैसे आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, फेज़ टू के काम ने भी स्पीड अप धीरे धीरे पकड़ ली है। ये कहने में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस पर भी UPMRC काफ़ी ध्यान दे रही है। फेज़ वन का काम तो काफ़ी अच्छा चल ही रहा था IIT से मोतीझील तक का, बट अब आगे का काम भी पेस पकड़ चुका है। ये आप देख सकते हैं, रोड की हालत इतनी खास नहीं थी, बट गाइस ये आप देख रहे हैं जो पिलर्स राइट में बस यहाँ तक थे, अब आगे आपको पाइलिंग का काम देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे, आपको वहाँ का व्यू देते हैं। तो हाँ जी गाइस, ये आप देख सकते हैं पालिका स्टेडियम से पहले कितना ही तगड़ा काम चल रहा है यहाँ पर पाइलिंग का, क्योंकि यहाँ पर पिलर्स रेडी होने हैं जो कि जाएंगे पालिका स्टेडियम के गेट के पास तक, और वहाँ से मेट्रो अंडरग्राउंड होगी ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइलिंग मशीन रखी है, और यहीं पर पिलर्स रेडी होते हैं, जैसे हमने पहले देखा था जब फेज़ वन का काम हो रहा था। भाई, जब आप हम बढ़ेंगे पालिका स्टेडियम के अंदर, तो आपको यहाँ पर थोड़े बहुत पिलर्स तैयार होते दिख भी जाएंगे, जिससे साफ़ हो जाता है कि पिलर्स यहाँ तक तो आने ही है। बट इसके बाद से, पालिका स्टेडियम के बाद जो अगला चुन्नीगंज स्टेशन है, इनके बीच का जो भी रूट रहेगा वो पूरा अंडरग्राउंड रहेगा। ये बात हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि अभी हम जब मेन गेट के अंदर जाएंगे, जो आखिरी आगे आगे स्टेडियम है, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा काफ़ी ज़्यादा काम। ये आप देख सकते हैं, रॉ मटेरियल भी रखा हुआ था। काम अब काफ़ी तेज़ हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए हम इस पर वीडियो भी बना रहे हैं। पहले इसलिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि इतना तेज़ काम नहीं हो रहा था, बट अब काम ने पेस पकड़ लिया है, तो फेज़ टू की भी बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगी। ये आप देख सकते गाइस कैसे बैरिकेडिंग की हुई है UPMRC ने। चलते हैं अंदर और आपको वहाँ का व्यू देते हैं। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं गेट पे घुसते ही स्टेडियम का स्ट्रक्चर कैसे पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे रोड हुआ करती थी और आसपास पार्किंग हुआ करती थी, बट अब वो कुछ भी नहीं रहा है, पूरी तरह से हट चुका है। UPMRC ने पूरा साफ़ कर दिया है वो। यहाँ पे काफ़ी तेज़ काम हो रहा है अंदर स्टेडियम में भी, चलिए आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले गाइस आप जो यहाँ पर पहले दीवार थी वो भी पूरी तरह से तोड़ दी गई है। अब चलते हैं, ये देख सकते हैं स्टेडियम के अंदर, और आपको दिखाते हैं कि आधा स्टेडियम UPMRC ने पूरा ब्लॉक कर लिया है मेट्रो के काम के लिए, लेकिन आधा छोड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं, राइट साइड में तो पूरा खाली है, बट ये लेफ्ट साइड वाला आप ये देख सकते हैं कितना ही सारा रॉ मटेरियल पड़ा है। यहाँ से गाइस मेरे को लगता है कि मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाएगी, ये स्टेशन रहेगा अंदर की तरफ, बाहर तो सिर्फ पिलर्स विलर्स रहेंगे जिससे मेट्रो अंदर आएगी। उसके बाद यहाँ से लेके चुन्नीगंज पूरा अंडरग्राउंड जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो हाँ जी गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अपने अगले मेट्रो स्टेशन के पास, जो कि बन रहा है चुन्नीगंज चौराहे के पास। लेकिन गाइस, यहाँ पर काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ मार्किंग की गई है UPMRC के द्वारा स्टेशंस की। एंड गाइस, UPMRC ने एक ट्वीट में बताया था कि उनको यहाँ अंडरग्राउंड के काम में एक प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि कानपुर काफ़ी ओल्ड सिटी है, इसलिए
यहाँ पर जो भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन या इलेक्ट्रिक वायर जो भी डली हुई थी तो उसके लिए कुछ दिक्कत आ रही थी उनकी डेप्थ से रिलेटेड, तो वो भी सॉल्व कर दी UPMRC ने। काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ करी है ये, मैं ट्वीट अगर हो पाया तो आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा। तो हम यही आशा करते हैं कि काम रुके नहीं, कानपुर मेट्रो का आगे बढ़ता जाए, हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको लाल इमली के पास एक काफ़ी सुंदर सी चीज़ बनी है, आपको वो दिखाएंगे, तब बढ़ेंगे अगले मेट्रो स्टेशन के पास। तो हाँ जी गाइस, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया वॉल पेंटिंग बनाई गई है अपने कानपुर के आर्टिस्ट भाइयों के द्वारा। काफ़ी सुंदर लगता है गाइस ये सामने से जब आप देखेंगे, एंड गाइस यहाँ पे JK टेम्पल बना हुआ है तो काफ़ी तगड़ा लगता है ये रात को भी। तो थम्स अप टू द टीम, काफ़ी अच्छा काम किया है। हम भी बढ़ते हैं अगले मेट्रो स्टेशन की तरफ जो कि बन रहा है परेड चौराहे के पास, और गाइस आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो गाइस आप ये देख सकते हैं सामने लैंडमार्क होटल और पूरा नवीन मार्केट, गाइस उसके अपोजिट साइड वाली रोड पे ये देख सकते हैं गाइस आप सामने हाफ साइड पूरी ब्लॉक कर दी गई UPMRC के द्वारा, पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई है UPMRC ने ये नवीन मार्केट से आगे परेड चौराहे था। लेकिन गाइस काम इतना अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, सिर्फ बैरिकेटिंग की गई है, काम अभी आने वाले टाइम में स्टार्ट हुआ। गाइस अब मैं आपको पूरा व्यू दूंगा यहाँ से परेड चौराहे तक। गाइस एक चीज़ और, एक कमेंट्स हमें बहुत आते हैं कि भाई तुम लोग मेट्रो साफ़ नहीं रख पाओगे, कोई लखनऊ का कोई दिल्ली का, कि गंदा, हम लोग फेमस है भाई, किस आप लोग जानती है पान मसाले के लिए। तो भाई इस कानपुर मेट्रो आप लोग को साफ़ रखनी है और हमें रख के दिखाना है, मतलब कमेंट्स ये सब हम लोग को रॉन्ग प्रूफ करना है। और यहाँ पर आपको F1 का नाम नहीं दिखेगा क्योंकि F1 सिर्फ एलिवेटेड ट्रैक पर ही काम कर रहा है, बाकी दूसरे कंपनी को टेंडर दिया गया है अंडरग्राउंड का, आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है नाम, ये आप देख सकते हैं पूरा परेड चौराहे तक पूरा बैरिकेड कर दिया गया UPMRC ने। सो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले मेट्रो स्टेशन के लिए जो कि बन रहा है अपने प्यारे जेड स्क्वायर मॉल के पास। और गाइस आप ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सारी बैरिकेडिंग रखी हुई है जिस पे कानपुर मेट्रो लिखा है, अभी वो पता नहीं कहाँ यूज़ होगी, वो हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, ये देख सकते हैं गाइस आप। और गाइस अगर बात करी जाए काम की, तो गाइस जेड स्क्वायर के जो अपोजिट साइड वाली रोड है वहाँ पर बस मार्किंग की गई है एंड बैरिकेड लगा दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं सामने, लेकिन काम यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं हुआ है। काम गाइस अपने फेज़ टू का आपको मिलेगा पालिका स्टेडियम के पास, और आपको मिलेगा जब आप मोजिल से आगे बढ़ेंगे इसके आसपास ज़्यादा, लेकिन आगे आपको इतना काम अभी नहीं देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है। काम ज़रूर बढ़ेगा आने वाले टाइम में, ज़रूर स्पीड अप होगा, अभी मार्किंग करी UPMRC कहाँ कहाँ मेट्रो स्टेशन बनने हैं और काफ़ी तेज़ काम करती है UPMRC, ये तो हम सबको पता ही है, फेज़ 1 से हमने देख ही लिया है, आशा करते हैं फेज़ 2 का काम भी वैसे ही होगा। तो आप देख सकते हैं बड़े चौराहे वाला मेट्रो स्टेशन। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दे, कॉमेंट करें, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। और गाइस टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, अब कोई भी डिले नहीं होगा, और कानपुर मेट्रो के भी फ्रेश अपडेट्स आपको मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दे, एंड नेक्स्ट वीडियो आप कहाँ की देखना चाहेंगे ये भी ज़रूर कमेंट करें। और गाइस मेट्रो के अलावा भी हम लोग ने एक फूड व्लॉग डाला था, और भी फूड व्लॉग्स डालते रहते हैं, मतलब और ट्रेन जर्नीज भी आती हैं, गाइस उनको भी उतना ही प्यार दे जितना आप कानपुर मेट्रो की वीडियोज़ को देते हैं, ऐसे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और भी वीडियोज़ बनाने का। और गाइस कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप कहाँ की देखना चाहेंगे, कानपुर एयरपोर्ट की या कानपुर मेट्रो फेज़ 1 का अपडेट आप देखना चाहेंगे, क्योंकि वीडियोस तो अब काफ़ी सारी आनी ही आनी है। तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, एंड वीडियो शेयर भी कर दें सारे कानपुर वालों के साथ। टिल देन दिस इज़ लिफ्ट राइट साइनिंग ऑफ, सी यू वेरी सून गाइस, बाय।